जुरासिक पार्क की घटना के 4 साल बाद एक ब्रिटिश फैमिली इसला सोर्ना आइलैंड पर घूमने के लिए जाती है, जहां उस फैमिली की छोटी बच्ची कॉम्पिस का शिकार हो जाती है और बुरी तरह से घायल हो जाती है, जिसके कारण जॉन हैमंड इंजन कंपनी से अपना सारा अधिकार खो देते हैं। जुरासिक पार्क के पास शुरू से ही 2 आइलैंड थे, इसला न्यूब्लार और इसला सोर्ना। इसला न्यूब्लार में जुरासिक पार्क को बनाया गया था और इसला सोर्ना में डायनासोर को बनाया जाता था, पर एक भयंकर तूफान होने के कारण सभी लोग उस आइलैंड को छोड़कर चले गए। जॉन हैमंड के अनुसार जिन डायनासोर्स को उन्होंने बनाया है उन्हें लाइसेंस दिया जाता था, लाइसेंस के बिना ये डायनासोर्स 1 सप्ताह भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। पर 4 सालों से ये डायनासोर्स इसला सोर्ना आइलैंड में फल फूल रहे हैं। इस बात का पता लगाने के लिए कि ये डायनासोर्स लाइसेंस के बिना कैसे जिंदा हैं, जॉन हैमंड मैथमेटिशियन और केयर्स थ्योरिस्ट डॉक्टर इयन मैल्कम, पैलेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर सारा हार्डिंग, इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट और इंजीनियर एडी कार, वीडियो गाइड और एक्टिविस्ट निक ओवन को आइलैंड में भेजते हैं। ईयर मेलकम की बेटी कैली भी उनके साथ चली जाती है। आइलैंड में पहुंचते ही उनकी मुलाकात स्टेगोसॉस के एक झुंड से होती है। सारा हार्डिंग एक बेबी स्टेगोसॉस की तस्वीर खींचती है, पर कैमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आने से वह बेबी स्टेगोसॉस चिल्लाने लगता है और बाकी सभी स्टेगोसॉस सारा हार्डिंग पर हमला कर देते हैं, पर वह किसी तरह बच जाती हैं। सारा हार्डिंग इस बात का पता लगा लेती है कि ये डायनासोर इतने दिनों से बिना लाइसेंस के कैसे जिंदा हैं। उनके अनुसार इस आइलैंड के पौधों में काफ़ी मात्रा में लाइसिन मौजूद है, जिससे शाकाहारी डायनासोर्स में लाइसिन की कमी पूरी हो जाती है। मांसाहारी डायनासोर्स इन शाकाहारी डायनासोर्स को खा के अपनी लाइसिन की कमी पूरी कर लेते हैं। उनका काम लगभग खत्म ही हो जाता है कि उन्हें पता लगता है कि इंजन कंपनी का एक ग्रुप इस आइलैंड में आया है और डायनासोर्स को कैप्चर कर रहा है। इंजन कंपनी का नया CEO पीटर लडलो इन डायनासोर्स को सैन डिएगो ले जाकर एक नए थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। इस टीम का लीडर रॉलैंड अपने फी के बदले एक नर टीरस का शिकार करना चाहता है। पीटर उसे इसकी मंजूरी दे देता है। रॉलैंड एक बेबी टीरस को बांध देता है ताकि वह एक नर टीरस पकड़ सके। सारा हार्डिंग और निक ओवन कैद किए गए डायनासोर्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। वे सभी डायनासोर्स इंजन ग्रुप के सभी इक्विपमेंट और मशीन्स को तोड़ देते हैं। सारा हार्डिंग और निक ओवन बेबी टीरस को कैद से बाहर निकाल देते हैं और उसकी टूटी टांग ठीक करने के लिए अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। उसके पीछे पीछे उस बेबी टीरस के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। वे सभी उन्हें उनके बच्चे को वापस कर देते हैं। दोनों टीरेक्सेस अपने बच्चे को घोंसले तक छोड़ के वापस आ जाते हैं और उनकी गाड़ी को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। वे उनकी गाड़ी के आधे हिस्से को खाई के नीचे फेंक देते हैं। एडी कार उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं, पर वह उन दोनों टीरेक्सेस द्वारा 2 टुकड़ों में बांट दिए जाते हैं। मेलकम का ग्रुप इंजन का ग्रुप के द्वारा बचा लिया जाता है। इंजन कंपनी का एक आदमी कॉम्पिस के एक बड़े झुंड का शिकार हो जाता है और मार दिया जाता है। रात होते ही दोनों टीरेक्स उनके टेंट तक पहुँच जाते हैं। वे सभी उस जगह से एक टीएस द्वारा भगा दिए जाते हैं। रॉलैंड एक नर टीएस को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। बाकी का ग्रुप ओल्ड इंजन कंपाउंड से रेडियो स्टेशन की तरफ बढ़ता है, जिससे कि वे लोग इस आइलैंड से बाहर निकल सके। रास्ते में ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा वेलोसिराप्टर के शिकार बन जाता है और मार दिया जाता है। इयन मैल्कम, सारा हार्डिंग और केली स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। उनका सामना वेलोसिराप्टर के झुंड से होता है। वे लोग उनसे किसी तरह बच जाते हैं और हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं और वापस चले जाते हैं। मेल टीरेक्स को ले जाने वाले जहाज का बंदरगाह में ही एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मेल टीरेक्स बाहर निकल जाता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है। वह टीरेक्स शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। इयन मैल्कम और सारा हार्डिंग उस टीरेक्स के बच्चे को पीटर लडलो से ले आते हैं और बेबी टीरेक्स के कारण वह मेल टीरेक्स उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वह उस बच्चे को टीरेक्स के जहाज में रख आते हैं और टीरेक्स वापस वहीं चल जाता है। पीटर लडलो बेबी टीरेक्स द्वारा मार दिया जाता है। मेल टीरेक्स और उसके बच्चे को वापस इसला सोर्ना आइलैंड में भेज दिया जाता है। सरकार द्वारा यह घोषित कर दिया जाता है कि इसला सोर्ना आइलैंड अब एक नेचर रिजर्व है।